नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कुंभ लग्न के अंदर कौन सा भाग्यशाली रत्न होता है, कुंभ लग्न के अंदर वो कौन सा रत्न हो सकता है जो चमत्कारी रत्न होता है और भाग्यशाली रत्न होता है जिसे पहनने से आपका फायदा होगा। इसी के बारे में आपको सरल तरीके से कम शब्दों में आपको बताने जा रहा हूं। यह हम कह सकते हैं कि कुंभ लग्न के अंदर आप रत्न का कैसे चुनाव करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये लग्न कुंडली है। जब भी आप रत्न का चुनाव करें, जेम स्टोन पहने तो कभी राशि को देख के नहीं पहनते। राशि आपका मन होता है, लग्न शरीर होता है, तो जो चीज भी घटित होती है आपके शरीर पे होती है, तो इसलिए लग्न का ही चुनाव करें। तो ये जो है लग्न कुंडली है, तो लग्न कुंडली की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। अब आगे चलते हैं। देखिए, जैसे आप जानते हैं जो कुंभ लगन है, अगर लगन के बारे में लिखा है तो कुंभ लगन हुई, कुंभ लगन के मालिक शनि देव होते हैं, तो इस कुंडली के मालिक शनि देव हुए, तो शनि देव कुंडली के मालिक होते हैं, तो शनि के जो रतन होता है वो नीलम होता है, तो लगन के हिसाब से नीलम रतन पहनना आपके लिए फायदेमंद है। अब और थोड़ा आगे चलते हैं। ये जो चौथा भाव है जिंदगी के अंदर तमाम सुख को दर्शाता है, आपकी पैतृक संपत्ति को दर्शाता है, माता को दर्शाता है, आपकी लैंड को दर्शाता है, खेती को दर्शाता है, कृषि को दर्शाता है। जिंदगी के अंदर कोई भी सुख अगर भोगोगे उसका जो अनुभव लोगे वो चौथे भाव से, यानी चाहे मकान हो वाहन हो, चौथा भाव। तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। इसमें दो लिखा है, दो का मतलब वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, तो ये चौथा भाव जिंदगी के अंदर सुख का शुक्र को मिलता है। तो जिंदगी के अंदर सुख प्राप्त करने के लिए आप क्या पहनेंगे, ओपल, शुक्र का ओपल या फिर हीरा भी हम बोल सकते हैं, ओपल, हीरा, सफेद पुखराज, ये रतन पहनना आपके लिए फायदेमंद होगा कुंभ लगन के अंदर। अब देखिए यहां कमाल की बात, शुक्र को दो भाव मिलते हैं, एक तो जिंदगी के अंदर तमाम सुख का और एक जो है कुंभ लगन के अंदर भाग्य भाव मिला शुक्र को, क्योंकि सात नंबर शुक्र की दो राशि होती है, वृषभ और तुला, तो एक तो भाग्य मिला। अब जिंदगी के अंदर भाग्य अगर आपके साथ है तो जिंदगी में आप कुछ भी कर पाएंगे, तो भाग्य सबसे, ये भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो भाग्य और सुख ये मिलता है शुक्र को, तो निश्चित रूप से कहने की कोई बात ही नहीं है कि ओपल, हीरा या पुखराज अगर आप पहनोगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा, निश्चित रूप से। पर हां, शुक्र जो है 6-8-12 में नहीं होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए, अगर ये कंडीशन नहीं है तो आप पहन लीजिए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, जिंदगी के अंदर पांचवा भाव होता है आपकी संतान को दर्शाता है, आपकी पढ़ाई को दर्शाता है, आपके पूर्ण जन्म के कर्मों को दर्शाता है, साथ ही साथ आपकी बुद्धि को दर्शाता है, आपके पढ़ाई को दर्शाता है, एकेडमिक पढ़ाई जो होती है, और आकस्मिक लाभ एकदम से जो पैसा मिलता है शेयर बाजार सट्टा। और नवम से अगर आप नवम को देखोगे तो पांचवा भाव, इसका मतलब ये है भाग्य को भी दर्शाता है। तो ये जो संतान भाव होता है ये बुध के हाथ में है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे तीन लिखा है, तो तीन का मतलब हुआ मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुधदेव, तो बुधदेव को दो भाव मिले, पांचवा और आठवा। अष्टम भाव अच्छा नहीं, पर त्रिकोण का एक भाव मिलने के कारण अष्टम का दोष नहीं लगेगा। तो पन्ना रतन पहनना भी ऐसे में बहुत फायदा होगा आकस्मिक लाभ के लिए, संतान के लिए, सुख के लिए, पढ़ाई के लिए, शेयर बाजार सट्टा और आकस्मिक लाभ के लिए। अब जो दसवा भाव होता है वो आपके रोजगार को दर्शाता है, कर्म को दर्शाता है, बिजनेस को दर्शाता है, व्यापार को दर्शाता है, नौकरी को दर्शाता है, प्रमोशन को दर्शाता है, वो मिलता है मंगल को, क्योंकि इसमें आठ लिखा है वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हुए। पर क्योंकि कुंभ लग्न के जो स्वामी है शनिदेव और मंगल में मित्रता नहीं होती, बाकी ये शुक्र हुआ, बुध हुआ, इनके साथ मित्रता मानते हैं शनिदेव। तो अगर हम बात करें जाए कुल मिला के, तो कुंभ लगन के अंदर अगर हम बात करें भाग्यशाली रत्न कौन आप पहन सकते हैं, कौन सा पहन सकते हैं, तो आप पहन सकते हैं ओपल, ओब्लिक हीरा, ओब्लिक बुखराज, यानी इनमें से कोई एक रत्न शुक्र के लिए आप पहन सकते हैं, पन्ना, और आप पहन सकते हैं नीलम। ये तीन रत्न का आप चुनाव कर सकते हैं, ये आपको फायदा देंगे। अगर हम मोटे तौर पर अगर बात करें तो अपने लगन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने पर्सनैलिटी के लिए और जिंदगी के अंदर तरक्की के लिए आप जो है नीलम पहन सकते हैं। जिंदगी के अंदर तमाम सुख प्राप्त करने के लिए, भाग्य को मजबूत करने के लिए आप हीरा, ओपल या सफेद पुखराज पहन सकते हैं। आकस्मिक लाभ को और बिजनेस की दृष्टि से अगर हम देखें, व्यापार में जो मुनाफा होता है, संतान पक्ष की दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, क्योंकि बुध जो है व्यापार के भी कारक होते हैं, तो कोई ग्रह किस चीज का कारक होता है वो भी देखा जाता है, तो उसके लिए आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। तो आप तीन ग्रहों का रत्न पहन सकते हैं कुंभ लगन के अंदर। अब यहां पे मोटे तौर पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, ऐसे में बुध, शनि और शुक्र, कोई भी ग्रह जिसके मैं रत्न बता रहा हूं, अगर वो 6-8-12 में बैठ जाएं,
नीच के हो जाएं, तो आप ऐसे में बिल्कुल भी उनका रत्न ना पहने। अगर ग्रह कमजोर है और प्लेसमेंट अच्छा है, कुंडली के अंदर कारक है, तो उसका रत्न पहनना अनिवार्य है, बहुत फायदा होता है ऐसे में आपको। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।